अवसर भी दिया। राम आईएएस का परीक्षा नहीं दे पाई का? ईका कह रहे हो कहीं नहीं दे पाओगी परीक्षा? पिंकी हमारा फॉर्म चुरा ली थी और उसका जगह पे दूसरा फॉर्म रख दी थी। जो फॉर्म हम पोस्ट किए वो फॉर्म तो खाली था। पिंकी, ये पिंकी तो हद ही कर दी। हद नहीं, हद से ज्यादा कर दी है वो। समझते कहाँ है अपने आप को? हम अभी जाके उसे बात करते हैं। हाँ दीदी चलते हैं। हड्डी पसली एक ना कर दी ना तो हमारा नाम भी चंचल राज नहीं। जाने दो चंचल, अभी सब करके क्या होगा? काहे जाने दे, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। चलिए दीदी। चलिए दीदी। दीदी रुको, चंचल। नहीं कृष्णा, बहुत हो गया। ईशा दीदी, चंचल ये झाड़ू वाड़ू लेके गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप? लौट के बताएंगे। दादी जी, दादी, 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 माधव भैया हमारी दादी का शायद होंगी अपने कमरे में। माधव भैया हमको वो आलू वाला चिप्स चाहिए। आप जाके वहाँ सोफे पे बैठो, मैं अब भी लेके आया। नहीं हमको अब भी चाहिए। सोनू बेटा अब भी मिलेगा। वो क्या है ना, मालिक और मालकिन अगर तुमको यहाँ देख लिए तो हमारे लिए मुसीबत है। आओ अब बैठो चल के। हमको सिर्फ चिप्स चाहिए, हमको छोड़ो। दादा कुछ नहीं होगा। कहा हुआ? अरे कैसा हुआ? दूध 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे गिरा दिया? कौवा सोनू को पानी लेकर के आइए ना जल्दी से। अरे फ्रिज से बर्फ ले आओ। जल्दी करो। पिंटू डॉक्टर को फोन करो। जी माँ। अरे बर्फ डालो। बहुत दर्द हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा इसमें डालो, इसमें डालो, अभी ठीक हो जाएगा। तुम तो ना कमाल कर दी। आप भी ना। अरे कमाल कहा नहीं करेगी। अरे आखिर बिटिया किसकी है? वो कोयला खदान के खानदान को ना हमारी पिड़की ऐसा पछार पछार के मारेगी कि पूरा खानदान उत्तर दक्षिण का फर्क करना भूल जाएगा भाई। हाँ मम, कोयला खदान मिसेस भागलपुर बंद करना हमसे और दुश्मनी ले ली। झेलती रहेगी आप पूरी जिंदगी। अब आप देखना हम का हाल करते हैं उसका। दीदी का आईएएस का फॉर्म मुंह में दही जम गया है का? कुछ बोल का ही नहीं रही हो। अरे दीदी ये झूठा मत कर लो, का बोलेंगे? तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है? मजाक को सच समझ लेते हो और सच को मजाक? अब कृष्णा आईएएस का एग्जाम दे या क्लर्क का, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उसका फॉर्म का ही चुराई तुम? हम झूठ बोल रहे थे। और वैसे भी हम बीडीओ हैं, हमारे पास ये सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। और क्या, हमारे पिटकी के बाद फालतू
टाइम नहीं है। हाँ अध्याति जी आप शांत रहिए, इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है। पिंकिया अब तुम अगली बार से जब भी मजाक करो ना, तब पहले कृष्णा से पूछ लेना कि कौन सा मजाक करना है और कौन सा नहीं। कहा है ना उनका दिल बहुत कमजोर है, छोटी सी बात में डरा जाती हैं। ज्यादा दांत निपोड़ने का जरूरत नहीं है, वरना हम अपनी मान मर्यादा भूल जाएंगे। हम देख रहे हैं कैसे फन फना रही हो, लेकिन आज हमने ये समझ में नहीं आ रहा कि झांसी की रानी के हाथ में तलवार की जगह झाड़ू का खड़ा है। लगता है घर का हालत बहुत बुरा हो गया है और कृष्णा घर से निकाल दी है कि घर घर जाके झाड़ू पोछा करो। तो कहा हमारे घर झाड़ू पोछा का काम मांगने आई हो? एक बात कान खोल के सुन लो पिंकी दीदी, अगर तुम जो भी बोली हो वो मजाक था तो तुम बच जाओगी, लेकिन अगर दो दिन में कृष्णा दीदी का पहचान पत्र नहीं आया तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये झाड़ू देख रही हो, इतना झड़वाएंगे, इतना झड़वाएंगे कि ये तुम्हारा जो शकल है ना झाड़ू जैसा हो जाएगा, समझी? चलो चंचल, इसका गर्दन हम ऐसे दबाएंगे ना कि छुटकी तो छुटकी, अब देखिए तो अब बड़की के भी पर निकल आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा तो नहीं जला है ना? नहीं ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं ये कुछ दवा और मलहम लिखकर दे रहा हूँ, आप ये मंगवा लीजिएगा और समय से देते रहिएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखिए हम एक बात कहना चाहेंगे आप सबसे, अब आप लोग को इस बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा मन ही मन में अपनी माँ की कमी बहुत महसूस करता है। बच्चे के मन में कब कहाँ कौन सा चीज घर कर जाए कह नहीं सकते, इसीलिए हमारा सलाह है कि आप लोग इसे अकेला मत छोड़िएगा। अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। न जाने हमरे सोनुआ पर किसका नजर लग गया, पहले तो पैर पर चोट लगा और अब हाथ जल गया। कुछ नजर उजर नहीं लगा है माँ, सब हमारा गलती है। तुम ऐसा काहे कह रहे हो बबलू, तुम अच्छे से तो ख्याल रखते हो सोनुआ का। नहीं माँ, दिन भर तो हम कोचिंग क्लास के चक्कर में उलझे रहते हैं, लगता है कोचिंग का बच्चा सबका ध्यान रखते रखते हम अपने बच्चा का ध्यान रखने में चूक गए। क्या करें, सरगम आदत बिगाड़ करके चली गई। सच तो ये है मां कि उतना अच्छा से सोनू का ख्याल हम नहीं रख पा रहे। हम ही कैसे मान ले कि पिंकी मजाक कर रही थी, वो कृष्णा का फार्म नहीं चुराई? अरे इसमें का बड़ा बात है, वो कृष्णा को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह सकती है। काहे कि वो नहीं चाहती थी कि कृष्णा ये प्रतियोगिता जीते। तुम्हारे पापा हमेशा गीता का उपदेश दिया करते थे ना,
कि इंसान को फल का चिंता किए बगैर अपना कर्म करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो मां। भगवान पे भरोसा रख के हम पूरा ईमानदारी और एकाग्रता से अपना परीक्षा का तैयारी करें। जब पापा का और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है तो परिणाम भी अच्छा ही होगा। सो जाओ। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और रुक जा। चिंता मत करो, हम ख्याल रखेंगे सोनू का। ठीक है, सोनुआ के बगल में तकिया रखवा देते हैं ताकि ये पलंग से गिरे ना। और हाँ बेटा, जग में पानी भरवा दिया है, सीताराम से कह देते हैं वो बिस्कुट का डब्बा और गिलास भी दे जाएगा। सोनुआ ने ठीक से खाना नहीं खाया, रात को जगेगा तो दो चार बिस्कुट भी खिला देना। ठीक है। और हाँ बेटा, याद है ना, दवाई ठीक समय पर दे देना। तुम अलार्म लगा लेना वरना नींद नहीं खुलेगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम सब कर देंगे। ठीक है। कौनो चीज का जरूरत हो तो हमको जगा देना। तुम भी सो जाओ बबलू, बहुत थक गए हो। ठीक है माँ। मम्मी मम्मी, आज आपको पता, आज हम दूध से जल गए। आप काहे नहीं आती हो? आप हमसे गुस्सा हो? बोलो ना मम्मी, अब हमारे पास कार नहीं आती हो मम्मी। सोनू, बीती बात
बातें याद आती हैं जब अकेला होता हूं मैं, बोलती है खामोशी सबसे छुप के रोता हूं मैं, नींद आती नहीं याद जाती आती नहीं याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहां तो जिंदगी है का बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, सोनुआ का तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, सोनू ठीक है। तो फिर बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा, लगता है रात भर सोए नहीं। नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एक बात करना चाहते हैं। हाँ कहो बेटा। माँ, कल रात को बहुत सोचने समझने के बाद हम एक निर्णय लिए। हम शादी करना चाहते हैं। हम शादी करना चाहते हैं। शादी? शादी? क्या बात है बबलू? अचानक? अचानक नहीं माँ, रात भर हम इस बारे में सोचते रहे और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचे कि सोनू के भलाई के लिए हमको एक कदम उठाना ही पड़ेगा। सोनू को किसी ऐसे का बहुत जरूरत है जो हर दम उसका ध्यान रख सके, जो उसके जीवन में सरगम के कमी को पूरा कर सके। सोनू को एक मां का जरूरत है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि शादी कर लें। गजब! ये तो बहुत अच्छा निर्णय है मास्टर। भैया, आपका ये फैसला बिल्कुल सही है। जिंदगी का ये भी बहुत बड़ा सच है कि जिंदगी अकेला नहीं काटा जा सकता। आपको एक साथी का जरूरत है। पिंटू सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं बेटा। बस हम आज ही से तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं।
हमारे लिए दुल्हन नहीं बाबू जी, सोनू के लिए माँ ढूंढिएगा। हाँ बेटा हाँ। हम समझ सकते हैं बेटा कि कितना कड़ा मन से तुम इस शादी का फैसला किए हो। भगवान करे सब ठीक हो। मैं अफसर बिटिया।